हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, भगवान जी से आशा करेंगे सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं भी जा रहा हूँ जिम की ओर। वेलकम बैक टू माई न्यू एपिसोड। वेलकम, आप लोगों का सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पे। अभी मैं जा रहा हूँ जिम की ओर। गुड मॉर्निंग हो गई है हमारी। तो गाइज मैं ना बिस्तर से उठने के बाद रोज़ की तरह मम्मी पापा का नाम, भगवान जी का नाम, धरती माता को प्रणाम करता हूँ बिस्तर से पहले, उठने से पहले। तो अब जिम की ओर जा रहा हूँ और बिस्तर छोड़ के आ गया हूँ। बहुत सारे काम भी करने होते हैं, तो बर्तन वर्तन धो के आया मैं दोस्त, अब खाना बनाएगा। जब तक मैं आऊँगा गाइज 7 बजे जिम से, 6:30 टाइम हो रहा है, 7:30 बजे आऊँगा मैं वापसी। तो 6:30 बजे मैं चल दिया हूँ भाई जिम की ओर, और लेट हो जाती है सुबह उठने में भाई। क्या है कि 4 बजे आज उठा था, 4 बजे उठने के बाद 5 बजे मैं समझा कि 5 बजे उठूँगा तो मुझे ऐसी नींद आएगी सीधे 6 बजे आके खुली। तो 6 बजे आके खुलने के बाद अभी आपका भाई जा रहा है, आँखें भी आज सूजी सूजी हो रही हैं। मैं जा रहा हूँ जिम की ओर, 6:30 बजा है अभी, और मैंने बर्तन वर्तन धो के अपना काम निपटा के फ्रेश होके बढ़िया जिम की ओर चल दिया हूँ। अब आऊँगा तो भाई रोटी बना लूँगा, दोस्त नहीं तो रोटी सब्जी बनाता है तो गुस्सा हो रहा था। कल शाम हमारी बहसबाजी हो गई थी, मैं बोला भाई साहब तुम्हें तो खाना बनाना है तो बनाओ, नहीं तो मैं बना लूँगा, क्या दिक्कत है, बहस करने से फ़ायदा ही नहीं है। तो भाई ने बोल दिया कि ठीक है बनाएंगे। मैंने कहा मिलजुल के बनाओ, बाकी क्या करना है बहसबाजी करके। अगर आपको बनाना है मेरे आने तक रुके रहा करो, सब्जी बना के रख दिया करो, मैं 8 बजे पहुँचूँगा तब भी रोटी बना दूँगा। मुझे ना गाइस ज़्यादा टाइम नहीं लगता रोटी वोटी बनाने में, 2 से 3 बंदों के लिए तो मैं 15-12 मिनट में रोटी बना लेता हूँ, बड़ी प्यारी प्यारी रोटियाँ। तो ऐसा कुछ नहीं, सारे काम आने चाहिए, सीखने चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती खाना बनाने में। तो दोस्त को दिक्कत हो रही थी, मैं बोल दिया भाई जब मैं जिम से आऊँगा तब बनाऊंगा। वो क्या बोलता है कि भाई तू जिम जाना बंद कर दे। नहीं भाई ऐसा नहीं चल पाएगा मैंने भाई शरीर बढ़ाना है और मैं ठान रखा हूँ जिम जाने की। तेरे को तो अभी मेरे साथ रहते मेरे दोस्तों को 1 महीना हो रहा है, 1.5 महीना, तो मेरी जिम बंद कराने की सोच रहा है भाई, बताओ अभी मैं जा रहा हूँ जिम की ओर, मज़े आ रहे हैं, काफ़ी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा, देखो इतना प्यारा वेदर है मॉर्निंग का। आगे भाई साहब बाइक में लेके आ रहे हैं घास काट के, मतलब वो चारा भैंसों के लिए चारा, ये देखिए गाइस वो जा रहा है बाइक में लेके भाई, सुबह सुबह ठंडी हवा के साथ बढ़िया सा मौसम हो रहा है। राम राम जी। डॉग रोटी खिला दी अंकल जी ने। हाँ जा भाई। तो शाम को जो रोटी वोटी बचती है ना हमारी, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, कुत्ते को खिला देते हैं, गाय आती है गाय को खिलाते हैं, वेस्ट नहीं करना चाहिए भोजन। तो मज़े आ रहे हैं गाइस इस समय। ये पुलिया है सामने, पुलिया के नीचे स्विमिंग पूल बना हुआ है पानी का। कैसे हैं गाइस, आप सबका दिन कैसा जा रहा है? मौसम भी आज बहुत अच्छा हो रहा है, बेहतरीन, और बादल लगे हुए हैं आसमान में। संडे, संडे के दिन यहाँ पे मोटर लगाई हुई थी स्विमिंग पूल में, मोटर से पानी खींच रखा था, फिर से इसमें आधा पानी अभी भी ऐसी है, आधा ही खींचा था हमने, आधा ऐसी है। बाकी गाइस यहाँ पर ना बहुत सारे अंकल लोग सुबह सुबह व्यायाम करने आते हैं रोड पे, रोज़ घूमते हैं कम से कम, मैं देखता हूँ भाई 12-15 अंकल हुए यहाँ पे देखता हूँ, अपने से बड़े ताऊ की एज के, तो रोज़ वो लोग अपना व्यायाम करते हैं भाई यहाँ पर आके, रोज़ डेली व्यायाम करते हैं। अब देखो गाइस मैं यहाँ से कैसे जाऊँ,
रोड में पानी भरा हुआ है, चौपट हो गया गाइस, जूते भीग जाएंगे। अब जाऊंगा इधर से, ये पानी है ना सामने सारा, जूते गीले हो जाएंगे, चलना पड़ेगा दीवार से ऊपर। इस दीवार से ऊपर चलता हूँ, फिर क्रॉस करके जाऊंगा उधर। बड़ा पोपट है भाई, गाइस 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 गाइस, ये मार दिया छलांग, ये आ गया गाइस मैं ऊपर। अभी पतली पतली सी किनारी बची है, यहाँ से जाऊंगा जिम की ओर। और क्या कर सकता हूँ भाई, जल्दी जल्दी लेट हो जाएगी नहीं तो। ये देखो भाई, मैं यहाँ से जाऊँगा ऐसे रास्तों से, ये सब धान लगा हुआ है। ये सब धान की खेती है गाइस, और टोटल मकड़ी के कितने जाल हो रहे हैं। छी गाइस, इतने मकड़ी के जाल है ना पूछो मत, दिमाग से हट दिया मेरा तो। मकड़ी के जाल से बड़ा ख़राब लगता है मेरे को, पूरा बेकार लगता है मेरे को। मकड़ी का जाल सबसे ज़्यादा बेकार लगता है गाइस, पूरा मुँह हाथों में चिपक जाता है ना, अजीब सा फील होता है। फिर आ गया मैं कूद मार के गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इतना क्रॉस करने के लिए। हमने आ तो गया हूँ कूद के, चलता हूँ जल्दी जल्दी, मकड़ी के जाले लग गए हैं इधर भी। ये पुलिया है अपनी छोटी सी, 200 मीटर की पुलिया है ये, ये भी क्रॉस कर लिया हूँ। अगर इस शरीर में थोड़ा वेट बढ़ गया है, मोटापा सा महसूस हो रहा है, और स्विमिंग पूल ने तो और दिमाग चाट रखा है, ख़राब कर रखा है। ये देखो पूरा पानी भरा पड़ा है साला, और क्रॉस करने के लिए भी ऊपर से आना पड़ा, चप्पल पहनी होती तो आ जाता, बट क्या करूँ भाई। जल्दी चलते हैं जिम में, शूट करेंगे मन करेगा तो। ये देखिए आगे नंदी बैल आ रहे हैं अपने, टांगे वाले बैल में टांगा बना रखा, दो टायर बांध रखे हैं, लकड़ी का बना रखा है। ठंडी ठंडी हवा, छः बज के 41 मिनट हो गया है टाइम, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी भाई। चलो भाई 7 बजे तक तो पहुँच जाऊँगा, 7 से 8 जिम होगी, 8 बजे आऊँगा वहाँ से। दूध अपने पंडित जी ले आते हैं अपना, कल मैं छुट्टी करा था जिम की, कल मैं ले आया था दूध, आज पंडित जी ले आएंगे, संडे को मैं ले आऊँगा खुद, वहीं गांव से लगा रखा है पास से। मिलते हैं गाइस आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए लेते हैं रेस्ट, बाय बाय, जय श्री राम। भाई को भूल मत जाना, जल्दी जल्दी भाई का चैनल ग्रो करवाओ और सपोर्ट करो गाइस नए पुराने। जब तक के लिए मिलते हैं आपको, बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट, लव यू ऑल। हेलो गाइस, अपने सर जी हैं सामने, तो भैया जिम विम क्लोज कर लिए, काफ़ी मेहनत हो गई है आज, रोज़ की तरह मेहनत होती है भाई, आज ज़्यादा पसीना बहा लिया, आज मेरी बाइचेप्स थी तो बढ़िया मोटे मोटे हाथ हो रहे हैं भाई, इसमें खतरनाक शरीर हो रहा है, और पूरी टी शर्ट गिर ली है पसीने से। अभी जिम पे हूँ, टाइम हो रहा है 8 बजने में, 5 मिनट बचे हैं, 8 बजने वाला है। अब जो रूम पे जाना है, रोटी भी बनानी है, बाकी गाइस 7 बजे गुस्सा हो रहे थे, फाइनली मैंने ये बोला कि मैं जिम बंद नहीं करूँगा भाई, जिम डेली जाऊँगा। तो अभी जिम के अंदर हूँ, सारे यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय आते हैं, जितने भी मतलब यहाँ पर जिम करने एक्सरसाइज करने बच्चे आते हैं, सारे चले गए हैं जिम करके, लास्ट मैं ही बचा हूँ यहाँ पर, तो मैं लेट आया हुआ था। और 2 शिफ्ट चलती है, शाम भी चलती है, सुबह भी चलती है, शाम भी चलती है ना सर। तो अभी मैं भैया बाइसेप्स निपटा के अपनी अब चलूँगा रूम की ओर, दूध लेना है जाके, दूध अपना आ गया होगा पंडित जी से मंगा लेता हूँ। तो अभी पूरी एक्सरसाइज हो गई है अपनी आज, कम से कम मेरे को 6-7 एक्सरसाइज करवाई है,
शरीर इतना अच्छा लग रहा है, जिम करने से काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब शरीर में एक बदलाव चेंज सा हो रहा है। तो सर जी काफ़ी अच्छा कुछ बता रहे हैं, काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं हमें। कुछ बोलना चाहेंगे सर? ये जोशी जी, हमारा तो क्या है, करने वाले का होता है। बिल्कुल आप जो मेहनत करते हैं ना, हाँ वही कामयाब होगी और वही दिखेगा। बिल्कुल जी ठीक बिल्कुल है, मैं तो बता ही सकता हूँ, करना तो आपने, जो बिल्कुल आप करते हो उसकी परफॉर्मेंस दिख रही है ये। बिल्कुल जी, राइट बात करी एकदम सर ने। बिल्कुल, जो मेहनत, क्या बोलते हैं, मेहनत रंग लाएगी, जैसा करेंगे वैसे भरेंगे, वो सीन है गाइस। तो बढ़िया सा शरीर एकदम मस्त लग रहा है इस समय, रोज की तरह। कल तो जिम आया नहीं था गाइस, डेली जल्दी उठने की सोचता हूँ, 5 बजे कल से डेली उठने की सोचूंगा। अलार्म लगा के भी नहीं उठा जा रहा है, तो कल से फिर बनाते हैं 5 बजे उठने का रूटीन, जैसे पहले उठ रहा था शुरू में। तो भाई, जब जाने का हो गया टाइम, चलते हैं। अभी सारी लाइटें वाइटें बंद करके शूट कर रहा हूँ मैं, काफ़ी चमक रहती है नहीं तो। अब चलते हैं भाई जिम बढ़ा के, मंदिर को बनाते हैं, और अच्छा क्या बोलते हैं, हनुमान जी की फोटो लगी है यहाँ पे, अपना पूजा पाठ हो जाती है। कंपनी में भी हमारे उसकी लगी है, बजरंगबली की मूर्ति बनी हुई है। ये हमारी हो गई है जिम। चलते गाइस घर की ओर, रूम पे चल के बनाते हैं रोटी छोटी, देखते हैं क्या बनाना पड़ेगा। आज तो काफी पसीना बहा लिया। राम राम जी। मंकी बहुत ज्यादा है इधर, मंकी 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 आए हुए हैं इधर, डर लगता है मंकी उसे। भाई 8 बज गया है गाइस, आज लेट ना हो जाए मुझे, स्कूटी भी लेके नहीं आता हूँ, पैदल पैदल आ जाता हूँ। जल्दी जल्दी चलता हूँ गाइस, रूम पे चल के दूध गर्म करना है, नहाना है, ड्यूटी जाना है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। एक जिम ही मेरे लिए है कि रिलैक्स रहता हूँ जिम में, बाकी तो बहुत ज़्यादा टेंशन है। मिलते हैं गाइस आप लोगों को जल्दी जल्दी। सो गाइस, मैं ना जिम से काफ़ी आ चुका हूँ दूर, बड़वासनी मार्केट से ही मतलब आ रहा हूँ, काफ़ी दूर आ गया हूँ वहाँ से। काफ़ी यहाँ पे शोर शराबा क्राउड है, मतलब शांति चाहिए होती है, जो शांति हमारे रूम की ओर है ना, जहाँ हमारा रूम है, जिस गांव में रहते हैं, वो शांति इधर नहीं है, यहाँ पर काफ़ी शोर शराबा है। तब चल रहे हैं रूम की ओर, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग पे, जब तक के लिए लेते हैं रेस्ट। बाय बाय, लव यू मयोल, सपोर्ट।